फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आप सब कैसे हैं? आज मैं इस वीडियो में मैं फिर से आप लोगों के लिए हैंड की ही ट्रिक से, हाथ की ही हेल्प से, जो हैंड होता है इसी की हेल्प से स्नेल बनाना बताऊंगी कि वो कैसे बनता है। बहुत ही इजी है। जैसे आपने अगर मेरे आगे के वीडियोस देखे होंगे तो आपको समझ में आया होगा कि कितना ईजी है। बहुत ईजी है, आप बना सकते हैं और जो है कि अपने बच्चों को उसको दिखा करके सिखा सकते हैं घर पे ही, तो बहुत आसान है। मेरे वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि आपको जो है वो पूरे तरीके से ये समझ में आए कि वो ड्राइंग है, जो भी मतलब ऑब्जेक्ट या कोई भी चीज़ है, वो किस तरीके से बनाई गई है। जब तक आप लोग पूरा नहीं देखेंगे आप लोगों को उसको समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए प्लीज़ उसे पूरा ज़रूर देखें। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और उसे लाइक भी करिए। तो चलिए ड्रॉ करते हैं हम लोग स्नेल। चलिए अब बनाते हैं, हम ड्रॉ करते हैं हम लोग। तो पहले इसको ऐसे रखते हैं, ये देखिए ये हम मुठियाँ बंद हैं और ये फेस आपका थंब है वही खुला हुआ है। अब इसको हम लोग पूरा यहाँ से लेके आएंगे, ये मत सोचिए कि मेरी जो पैर ये है ये मुझसे बहुत अच्छे से हैंड तो बना नहीं, ये कैसे बन पाएगा। तो जहाँ पर थोड़ा बहुत भी होता है उसको थोड़ा पैन से हम लोग उसके बाद जो है पेंसिल से उसको सही कर दिया जा कर लेते हैं, उसमें कोई नहीं है। लेकिन आपको एक हेल्प मिल जाती है कि हाँ ये हेल्प भूल गई है, तो अब आप उसको सही करना होगा तो आप बहुत इजी में सही कर सकते हैं। तो ये देखिए ये हो गया, अब ये बन गया है। अब इसको जो है जहाँ पर भी आपको लग रहे, तो जैसे ये देखिए कहीं कहीं होता है वो छूट जाती है लाइन्स, ये देखिए उसको ऐसे ड्रॉ करके सही कर लीजिए। इस थंब है उसके थंब को सही कर देते हैं। अब ये जो ये है ये जहाँ पे आपको ऐसे लगे कि ये तो डबल लाइन बन गई उसको रब कर दीजिए। अब इसको ये इसको हमको यहाँ से जो है मिला देना है इस तरीके से, ये हमारा अब ये मिल गया। अब क्या करना है, ये यहाँ से जो है हमको यहाँ पर इसे मिलाना है, तो हम यहीं से ले जाते हैं उसको और उसको वहाँ मिला देते हैं ऐसे करके, और इसको ऐसे ये जो है ये जो ये लाइन है इससे हमें इसे मिलाना है। ये मिल गया। अब इसका फेस बनाना है हमें, तो फेस जो है ये ऐसे और ये मुस्कुराता हुआ स्नेल है हमारा, ये उसकी आईज, और ये इसके ऊपर जो थोड़ा सा सीन से आपके ये उसके ईयर होते हैं जो भी है वो बनाते हैं। उसके बाद अब ये बचता है हमारा, इसमें ये बनाएंगे हम लोग, ये इसे कहना है ये इसको बस यहीं पे छो देते हैं। यहाँ पर एक सर्कल, ये सर्कल, ये सर्कल, ये सर्कल, चाहिए तो और बना दीजिए बस, ये हो गया। अब पहले हम लोग इसकी आउटलाइन करते हैं, ये सबसे पहले यहीं से स्टार्ट कर देते हैं, इसकी आउटलाइंस बना देते हैं। पेंसिल से ड्राइंग इसीलिए की जाती है कि ताकि जब अगर हमारा कहीं पे भी कुछ भी थोड़ा भी खराब हो तो हम उसको इरेज कर सकें, उसको दोबारा सही कर सकें। तो उसके बाद जब आप सही कर लें उसके बाद जिस तरीके से मैं कर रही हूँ आप उसकी डार्क आउटलाइन कर लीजिए। इसकी आईज को करते हैं, ये अब जाके ये लाइन इसको भी कर देते हैं। ये अभी इसके अंदर का इसको ये इसको यहाँ से ले जाते हैं, ये इसमें जो है सर्कल बना देते हैं। ये हो गया। अब इसको हम लोग कलर करते हैं। चलिए अब क्या करेंगे हम लोग, ये जो ये है इसको करते हैं पर्पल।
ये जो सर्कल है उसको हम दूसरे कलर से करेंगे, इसलिए उसके सर्कल को छोड़ रहे हैं, उसको हम कलर नहीं कर रहे हैं। तो पूरा जो है पतली कर दीजिए, जहाँ जहाँ भी है वहाँ सब जगह। ये जो है इसको इस तरीके से हमको कर देना है पूरे में पर्पल। बस इसके सर्कल को छोड़ के जितना भी है उसे आप पर्पल कर दीजिए। देखिए हो गया है पूरे में। ये पर्पल हो गया। अब जो है ये क्या है, ये जो इसकी बॉल्स हैं इसको ग्रीन, ये भी ग्रीन, यहाँ भी इसे भी ग्रीन कर दीजिए, इसको भी ग्रीन, ये भी जो है। अब इसके नीचे का जो है वो भी ग्रीन करेंगे। ये पूरा हमको जो है ये पूरा पार्ट जो है ग्रीन कर देना है। ये मैंने पूरा ग्रीन किया इस तरीके से। अब जो इसके ये हैं इसको भी हम लोग पर्पल ही करें, इसके ये इसको पर्पल कर देते हैं। ये देखिए ये बन गया है स्नेल। अब जो है आप लोग देख रहे हैं कि ये कितना सुंदर लग रहा है। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए।